तो Realme 13 Plus गेमिंग में कैसा है, लेट्स फाइंड आउट। तो गाइस आज मेरे पास आ गया Realme 13 Plus एंड आज उसमें गेमिंग रिव्यू करूंगा, देखूंगा फोन कैसा परफॉर्म करता है, कि आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं। तो जाने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नया नाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए। इसी के साथ करते वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम आयान, आप देखिए जागरण प्ले। तो गाइस पहले जरा फोन के डिजाइन के बारे में बात करते हैं, आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाएगा, फोन काफी लाइट वेट लगा। पर्सनली मेरे को इसका डिजाइन उतना अच्छा नहीं लगा, और बेटर हो सकता था। आपको सामने की तरफ एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 6.67 इंचेस की आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है फोन में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले के कलर्स मेरे को काफी बढ़े लगे, कंटेंट देखने में या फिर गेमिंग करने में कोई इशू नहीं आ रहा था। अगर हम लोग इसके वेरिएंट की बात करते हैं, जो मेरा वेरिएंट है यहाँ पर आपको 12 GB की रैम एंड 256 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। डेली लास्ट में आपको फोन जरा भी लैग करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, फोन काफी बढ़िया परफॉर्म करता है, मेरे को इशू नहीं आया। अगर हम लोग इसकी बैटरी की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है फोन में, यानी आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा विदाउट एनी इशू। हार्डवेयर की बात करते हैं, यहाँ पर आपको डायमेंसिटी 7300 एनर्जी का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, एंड ये दावा करता है कि आपको बीच में 90 FPS ला के देता है। डेली टास्क में मेरे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला था, फोन काफी बढ़िया परफॉर्म करता था, मेरे कोई भी इशू नहीं आया। गेमिंग की बात करते हैं, मैंने इसमें 3 गेम्स टेस्ट किए थे, जो कि था Asphalt Legends Unite, Genshin Impact एंड BGMI। Asphalt Legends Unite पे हाई क्वालिटी पे 60 FPS सपोर्ट करता है। गेम प्ले की बात करते मेरे को लोएस्ट 45 FPS तक जाते हुए देखने को मिला था, एंड हाईएस्ट 58 FPS तक देखने को मिलता है। मेरे को 50 से 54 FPS के कंसिस्टेंट देखने को मिल रहा था, गेम इसमें बड़ी चली थी, लैग देखने को नहीं मिल रहा था, बट जो FPS इतने कंसिस्टेंट नहीं थे। ओवरऑल फोन जरा भी हीट भी नहीं हो रहा था, फोन काफी बढ़िया परफॉर्म करता। गेमिंग बैक की बात करते हैं, ये मैंने इसको डिफॉल्ट सेटिंग में रन किया, तो जो कि इसके लोअर सेटिंग था, मैंने वहां पे 60 FPS इनेबल कर दिया था। गेम प्ले की बात करते हैं, तो मेरे को फ्री रोम में 58 से 59 FPS देखने को मिल रहा था, फाइट्स में मेरे को 50 से 58 FPS का फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा था। यहाँ पे फोन हीट भी जरूर होता है, मैंने यहाँ पे इसका कूलर भी लगाया था, कूलर लगाने के बाद फोन जरा भी हीट नहीं होता, फोन काफी बढ़िया परफॉर्म करता था, मेरे को भी लैग देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी मेजर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा था। BGMI की बात करते हैं, अल्ट्रा HDR अल्ट्रा फ्रेम रेट मैक्स सपोर्ट करता है, स्मूथ एक्सट्रीम प्लस तक जाता है। यहाँ पर आपको 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। गेम प्ले की बात करते हैं, मेरे को यहाँ पर 90 FPS कंसिस्टेंट नहीं मिल रहे थे, मेरे को लोएस्ट 65 FPS तक जाते हुए देखने को मिलता है, मैक्स 88 FPS तक जाते हुए देखने को मिलता है। एवरेज FPS की बात करते हैं, आपको 80 से 82 FPS देखने को मिल जाएंगे क्लासिक मैच में, एंड मेरा गेम प्ले एक्सपीरियंस डीसेंट था। TDM की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने इसका जायरोस्कोप भी टेस्ट किया, इससे जायरोस्कोप काफी बढ़िया लगे, मेरे को यहाँ पर जायरो डिले जायरो लैग देखने को नहीं मिल रहा था, इसके जायरोस्कोप रिस्पॉन्स बढ़िया थे। गेम प्ले की बात करते हैं, मेरे को यहाँ पे 85 से 88 FPS तक देखने को मिलता था, यहाँ पे एक्सट्रीम प्लस तो इनेबल था, बट जो 90 FPS तो मेरे को कंसिस्टेंट नहीं मिल रहा था। क्लासिक मैच में मेरे को 90 FPS कंसिस्टेंट नहीं मिल रहा था, यहाँ पे मेरे को फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे थे फ्रेम रेट में। थोड़ी देर गेमिंग करने के बाद मैंने इसका कूलर एंड ट्रिगर्स भी लगाए थे, इसके ट्रिगर्स की क्वालिटी मेरे को डिसेंट लगी। अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो, ट्रिगर्स का आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा, इसका कूलर काफी बढ़िया काम कर रहा था, फोन को जरा भी गर्म नहीं होने दे रहा था, फोन काफी ठंडा था उस कूलर के बाद। जब मैंने फोन को विदाउट कूलर यूज किया, तो मेरे को फोन जरा हीट होता देखने को मिल रहा था, बट हीट होने के बाद भी कोई भी मेजर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा था। इसमें आप आराम से BGMI खेल सकते हो, बट गाइस एक चीज का याद रखना, आपको कंसिस्टेंट 90 FPS देखने को नहीं मिलेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग की, तो आपको फोन 125,000 का पड़ जाएगा, उस प्राइस में ये फोन काफी बढ़िया चॉइस है। आपको BGMI में 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हाफ फ्रेम से इतने कंसिस्टेंट नहीं थे, बट 125,000 के बजट में हमारे को बहुत कम फोन देखने को मिलते हैं जिसमें 90 FPS इनेबल हो। तो गाइस ओवरऑल इस फोन की परफॉर्मेंस मेरे को काफी बढ़िया लगी। बाय गाइस आपको ये फोन कैसा लगा आप मेरे को कमेंट से बताना, अगर आपको इस फोन को लेकर कोई भी डाउट हो आप वो भी मेरे को कमेंट से बताना, आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो चले तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाएंगे मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड प्ले गेम्स।